हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है ढाबा स्टाइल चिकन भुना मसाला। आप इस तरह से एक बार चिकन भुना मसाला ज़रूर ट्राई करें, ये बनाना बहुत ही आसान है और आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें लहसुन, अदरक, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना कर रेडी कर लेना है। मिर्च का अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। पेस्ट बनकर रेडी है, अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है, इसे अच्छी तरह से धो ले। अब इसमें हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है उसे डाल दे। अब इसमें दही लेंगे, हमें नॉर्मल दही लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही ना ले। मैंने यहाँ पे लगभग 3.5 चम्मच के दही लिया है। अब इसमें नमक डाल दे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर ले। आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 2 छोटी चम्मच चिकन मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला ले। चिकन अच्छी तरह से मिल चुका है, अब इसे कवर कर दे और इसे कम से कम आधे घंटे तक रेस्ट पे रखें। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं या आप इसे बाहर भी रखें। 30 मिनट्स कंप्लीट हो चुका है, एक बार इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब चलिए चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब एक बर्तन को अच्छी तरह से गर्म कर ले और इसमें तेल डाल दे। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो रेगुलर कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें। अगर आप सरसों का तेल खाते हो तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें तेज़पत्ता, 4 लौंग, दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची डालकर इसे कुछ देर तेल में फ्राई कर ले। अब इसमें प्याज डाल दें। मैंने यहाँ पे 2 स्मॉल साइज़ के प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई हो चुका है, अब इसमें चिकन डाल दें और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाला हमारा वेस्ट ना हो। इसे अच्छी तरह से मिला लें। इसे मीडियम फ्लेम में कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लें बिना कवर किए हुए। 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे आप कवर कर दें और इसे आप 10 मिनट तक पकने दें, बट ध्यान रखें आप बीच में ज़रूर मिला लें और इसका फ्लेम आप लो रखें। लो फ्लेम में इसे 10 मिनट तक पकने दें। लगभग 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है, इसे हम वापस मिला लेते हैं। ये अच्छी तरह से मिल चुका है, अब इसका फ्लेम मीडियम कर दें और इसे कवर करके 5 मिनट तक और पकने दे। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, तो इसे हमें कवर करके ही चिकन को अच्छी तरह से पकने देना है। लगभग 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो 5 मिनट के बाद चिकन से तेल ऊपर आने लगा है और दही भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे हमें बिना कवर किए हुए मीडियम फ्लेम में ही फ्राई कर लेना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। अब देख सकते हो मसाला अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और आप देख सकते हो ये इजीली कट रहा है, मतलब चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल दें। हरी मिर्च डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। हरी मिर्च और धनिया डाल के इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें ताकि इसका फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से आ जाए। अब इसका फ्लेम बंद कर दे, हमारा ढाबा स्टाइल चिकन भुना मसाला बनकर रेडी है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद करती हूँ आप इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।